देश में भूचाल मचा है। चार जजों ने देश की सबसे बड़ी न्यायिक संस्था से निकल कर के बाहर पत्रकार वार्ता क्या कर दिया, चारों तरफ भूचाल मच गया है ना जी, जी, जी। और तरह तरह की लोग चर्चा कर रहे हैं कि साहब जज साहब लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, न्यायालय के भीतर की बात सड़क पर नहीं लाना चाहिए। और जज साहब लोग कह रहे हैं कि भैया हम अपनी बात जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जी, जी। यानी संविधान में जो वर्णित है पब्लिक इज स्टेट इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में जनता मालिक है जी। आनंद आपसे जानना चाहूंगा आप इसको किस नजरिए से देख रहे हैं, इसका सकारात्मक पक्ष क्या है, नकारात्मक पक्ष क्या है। देखिए सर, चार जजों ने जो बाहर पत्रकार वार्ता किया है उसमें मुख्य मुद्दा है जस्टिस लोया की मृत्यु है ना। जस्टिस लोया की मृत्यु कहा जा रहा है कि कुछ लोग आज तक लोगों ने उसका साक्ष्य नहीं दे पाया, कुछ लोग कह रहे हैं कि हार्ट अटैक से हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका समय लिए इनको साजिश के तहत मारा गया है। जस्टिस लोया के बाद एक और मेन मुद्दा ये आया कि कोई भी बड़े बड़े केस जो थे वो केस चीफ जस्टिस वर्तमान में जो दीपक मिश्रा जी हैं वो सीनियर जजों को हैंडल ना करके अन्य जूनियर जजों को हैंडल कर दे रहे थे। वो कहेंगे साहब इनका विशेषाधिकार है और केस का बंटवारा जैसे चाहे वैसे करें। जी सही बात, जैसे आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को किस दृष्टि से देख रहे हैं, जैसे अन्य जो चार जज थे वो कितने जूनियर थे, क्या इनका इसका पैमाना क्या है। देखिए सर, जो तरुण गगोई, जो गगोई सर है, जो उसमें चार जजों में गगोई सर है, वो इसी साल चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। तो यानी कि इन जजों में वह प्रमुख जज जी, जी 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 इनकी भी हैसियत जो चीफ जस्टिस हैं उनके समान है, तो उनको भी लगा कि हमें आगे आना चाहिए और हमारे अधिकार का हनन हो रहा है, क्योंकि जो चीज़ हमें हैंडल करना चाहिए, जो चीज़ हमें देखना चाहिए, वो चीज़ कोई और देख रहा है, तो उस पर सही डिसीजन नहीं आ पा रहा है। तो उन्होंने बहुत दिनों से कुल मिलाकर के आनंद इस विषय को आप किस तरह से देख रहे हैं, जैसे क्या ऐसा होना चाहिए था, इसका क्या है सकारात्मक पहलू क्या सर? जो चार जज हैं या अन्य जज हैं उनको अपना अधिकार कहने का चीफ जस्टिस से पूरा अधिकार है, वो अपनी बात को कह सकते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस जब इन लोगों की बात पर अमल नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो इसलिए लोग सड़क पर उतरे। जी जी चलिए आनंद, संविधान के अनुच्छेद 19(1) में जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है जी सर, तो क्या इन जजों पर भी वह फॉलो होता है? जी, वाक एवं अभिव्यक्ति के अंतर्गत प्रेस की आजादी सर, घूमने के प्रेस की आजादी के अंतर्गत तमाम आजादियां दी गई हैं व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार, चाहे जहां पे उस आजादी से तो हम लोग भी आच्छादित हैं जो यूट्यूब पर इस मामले को डालेंगे, एकदम कह सकते हैं संविधान का वह अनुच्छेद हमारे पर भी अधिकार, हम लोग वार्ता करने के अधिकार में हैं, हम लोग वार्ता कर सकते हैं। चलिए, तो जज साहब लोगों ने भी जो सबसे शक्तिशाली पक्ष है उन लोगों ने भी यह महसूस किया कि साहब हमको जनता में जाना चाहिए और जनता ही निर्णय करेगी। मुझे स्मरण है एक राज्यपाल के विधि सलाहकार पूर्व न्यायाधीश सीबी पांडे, चंद्रभूषण पांडे एक बड़ा नाम है, जिन्होंने सिविल जज रहते हुए 87 में एक किताब लिख करके सुद्धू हरिजन को समर्पित किया था और उस पर उन्होंने न्यायपालिका पर कुठाराघात किया था। उन्होंने कहा था साहब जज रहते हुए बताया किस प्रकार पेशकार जज साहब के सामने ही पैसे लेता है, किस प्रकार अधिवक्ता हड़ताल करते हैं, किस प्रकार न्यायालय आम जन का जो शीघ्र न्याय पाने का अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है, उसका आनंद होता है। तो उन जज साहब ने बड़ा झेला था, उनकी किताब पर भी प्रतिबंध लगा और उनके ऊपर मुकदमा भी किया गया। अंत में उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अहमदी साहब पर हमला बोला, कहा साहब यह करप्शन है। लेकिन मुझे लग रहा है उस समय देश का तापमान इस प्रकार का नहीं रहा, उनके ऊपर मुकदमा, अंततः उन्होंने नौकरी से त्याग पत्र दे करके कहा अब हम भी चलते हैं जनता के अदालत में। मुझे लग रहा है 1987 में जो न्यायपालिका के भ्रष्टाचार के खिलाफ दमदारी से आर्टिकल 19 के तहत जो आवाज सीबी पांडे ने उठाया है, इसकी परिणत में इस मामले में देख रहा हूँ। कुल मिलाकर के आज हमारी और आनंद की वार्ता हुई है, इसके सकारात्मक पक्ष को ग्रहण करते हुए हम सब खुश हैं कि बात छन करके जो भी करप्शन है, जज साहब लोग दूध के धूले नहीं है, किस प्रकार अधिवक्ता आज कहता है कि साहब अभी हमारे जानने वाले जज साहब इसको नहीं देख रहे हैं, आने दीजिए, अच्छा बेंच आएगा तो हम जा करके इसका फैसला कराएंगे। मामला क्या है, जाहिर सी बात है कि सिट्टी गिट्टी बैठा करके किस प्रकार सीबी पांडे ने तो यहाँ तक लिख दिया था कि किस प्रकार इनको आवास चाहिए, शासन से अन्य सुविधाएं चाहिए, तो यह शासन में
सेवानिवृत्त होने के बाद इन्हें कहीं नामित होना है, सारी चीजें लिख दिया था। जी सर, आज सुखद अनुभूति है और हम सब भी इसके सुखद परिणाम को देख रहे हैं। कौन छोटा अपराधी है, कौन बड़ा अपराधी है, ऐसे ही मामले अगर उभर करके आएंगे, जैसे आप भी जनता की अदालत में जाएंगे, मंत्री जी जाएंगे जनता की अदालत में, डीएम साहब पहुंचेंगे, साहब मैं भी आ गया जनता की अदालत में, कप्तान साहब भी आएंगे और कहेंगे फला मंत्री मुझे इस तरह से परेशान कर रहा है, तभी मजा आएगा। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।